क्या बात है यार, ऐसे काहे उदास बैठे हो? का बताई यार, हमर मेहरारू के मेकअप के खर्चे हमरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मेकअप मत कराओ। तो बिना मेकअप के मेहरारू तो बर्दाश्त नहीं होती है। कौन यही है वो? हाँ सुना है बहुत बड़े दादा बन चुके हो। एसडी को कहाँ से लाओ गलत सलत खबरें? कल तो शादी हुई है, तुमने दादा ही बना दिया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ गुंडा। इनसे मिलो, ये हमारे छोटे भाई, ये एक दिन बहुत ही बड़ा वकील बनेगा, बहुत बड़ा। अच्छा भाई, पढ़ाई में तेज है क्या लड़का? ना मुझे और है भोसड़ी का झूठा एक नंबर का मक्कार। फैजान भाई ये वाली कार ले ली यार। भाई बड़ी शानदार। साबिला मेरे उधार के पैसे ला। यार भाई साहब अभी ना ले लियो, कल को अगर मेरे पैसे ना मिले ना तुझे ही मारूंगा और तेरे बाप को भी मारूंगा। भाई साहब एक काम ना हो जाएगा यार, मुझे छोड़ दियो, बाप को मार लियो। यार बड़े जलील आदमी हो तुम, अपने बाप को पिटवा रहे हो खुद। अबे तू फिर से इकला खड़ा, आमिर तेरे इतने कम दोस्त क्यों है? यार ऐसा है ना, मैं नए नए दोस्त बनाता हूँ और उनका खूब खाता हूँ, और जब वो कंगाल हो जाते हैं छोड़ देता हूँ। भाई चाले हराम खाने की आदत पड़ गई तुम्हें। हो गया हो गया, तुझसे भी तो दोस्ती नहीं कर रही। अरे फैन भाई यार 5 का नोट दियो जरा। ऐ मेरे पास को 3 रुपए पड़े। वालों तुम पैसे तो जेब में रख लगो। हाँ तुम तो अंबानी की औलाद हो, तुम्हारी जेब में पैसे रखे। हमारी बात तो अलग है। अबे ओ अगर तुम मेरे एरिया में दिख गया ना तुझे घर में घुस के मार के आऊंगा। अबे ओ घर में ना घुसेगा तू, केले के ढेले पे काम करता हूँ। आइए चल ठीक है। अरे डॉक्टर साहब मरीज को होश आ गया, चलो जल्दी। अरे इसकी बहन का भोपड़ा, इसे बार बार होश आ जाए, ईंट मार साले के सिर में। बार बार होश में आ जाए, हम सोच रहे हैं रुका रहेगा कुछ दिन, तो अस्पताल की रौनक बढ़ रही है, कोई मरीज ना ईंट मार।